जाऊंगा। केजरीवाल जेल के अंदर क्या कर रहा है मतलब क्या नाम जलेबी भाई जलेबी। बहुत मजाक बनाता था मोदी जी का क्या सत्येंद्र जैन के ऊपर कभी केजरीवाल होता है, केजरीवाल के ऊपर कभी सत्येंद्र जैन होता है। ये लोग बॉडी टू बॉडी मसाज कर रहे हैं और केजरीवाल मसाज पार्लर चलाएगा। जो 8 लाख की लेटरिंग में लेटरिंग कर रहा था वो 300 रुपए वाले में कर रहा है। और केजरीवाल जेल चला गया, और केजरीवाल जेल चला गया। अमित शाह ने क्लियर कह दिया था, गाली दिया था कौन ये ना नहीं एड़ा गाली भाई साहब बहुत कुछ बोला है। अरे भाई साहब ये तो बवासीर है। ये ऐसे लोग हैं। अरे शीला दीक्षित की आत्मा रोती होगी, शीला दीक्षित फिर भी अच्छी थी, शीला दीक्षित अच्छी थी। एक बात बताओ, अगर मैं बीजेपी का होता तो मैं शीला दीक्षित की तारीफ क्यों करता भाई, वो तो कांग्रेस की है। शीला दीक्षित ने इनकी 3 मांगे नहीं मांगी क्या? हम लोग सोच रहे नायक पिक्चर का अनिल कपूर है क्या? हम लोग सोचे नायक पिक्चर का अनिल कपूर है क्या? एक मिनट रुक जाओ यार, नायक पिक्चर का अनिल कपूर है। अरे नायक पिक्चर का अनिल कपूर है क्योंकि हम लोगों को लगा कि काम करेगा भाई साहब। ये अमरीश पुरी से भी बुरा आदमी निकला है। अरे यार भाई सच्ची बता रहा हूँ, पूछो क्यों। अरे वो तो कीचड़ में नहाने के बाद भी उसने पिक्चर में इतिहास रचा था क्या? आज हमारी यमुना माई रोती है। होली में लोग ना होली में यमुना में जाके होली खेलते थे। बिल्कुल। आज मैं तो आपको सच्चाई बताऊं, जब ये ईडी से छूट कर आएगा ना, जब भी छूट कर आएगा राम जाने, पूछो सबसे पहले कहाँ भेजना चाहिए इसको, कहाँ भेजना चाहिए इसको, यमुना में नहलाओ। बिल्कुल। ये केजरीवाल दुनिया का सबसे बड़ा झाग है। ऐसे मत कहिए, एक सम्मानित मुख्यमंत्री है। अपने सरदार जी ने मेरे को उम्र के बहुत बड़े ने, पर मैं एक गल पूछूंगा, मैनू ये दसो भी केजरीवाल कला बंद करता मोदी जी ने धक्का नहीं करया? भगवंत मान बिना जी किवें लगू यार बंदे दा। उपरों इन्नी गर्मी हो रही है, बवासीर हो जाऊ यार, बर्फ दियां सिल्लियां ते बिठाओ यार, इन्नी गर्मी ते यार तुसीं ओह करी जांदे यार। भाई जी बोल के दसणगे, दसो भाई जी। सर केजरीवाल जी जेल चले गए हैं, उसके बाद कई जनता जो है सो होली मना रही है, कई तो दिवाली मना रहे हैं, कई अनशन भी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, क्या मतलब अंदर में क्या? अनशन कौन कर रहा है? मैं आया तो देख रहा दो चार लोग सर अनशन। हाँ सड़क पे लोड लेट रहे थे। अरे इस कुर्सी में कुछ ऐसा है कि इस उसके बाद ये बोल के जाएंगे। पाजी पाजी बोला एक कमेंट आपका चाहिए, बोल के उस अनशन के बाद कोई ऐसा बंदा निकलेगा? अरे रुक जा, एक मिनट। अभी ना अभी थोड़े दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। दिल्ली की जनता जो वोट डालती है ना, और जो यहाँ पे इंटरव्यू देती है उनमें और उसमें बहुत फर्क है। अभी दिल्ली का जो वोट आएगा अभी पता लग जाएगा कौन कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है। 24 में कौन आ रहा है? आ रहा, अभी आ रहा है। जेल गए वो, सही हुआ गलत? देखो जी जेल तो उसका जाना था, उसका जाना तय था, जिसकी सारी टीम चलेगी वो अकेला थोड़े गया। सत्येंद्र जैन जी तो बिना चले आपको लग रहा है कि केजरीवाल घोटालेबाज व्यक्ति है, खूब घोटाला करते हैं वो। एक बात बताइए, राजनीति में ऐसा आदमी बताइए जो घोटाला नहीं करता है? लेकिन हुआ पहली बार है कि सिटिंग मुख्यमंत्री जेल चले गए। अभी ऐसा कोई था नहीं ना, आप समझिए ना, दिल्ली में कौन है अभी ऐसा? एक के साथ एक दारू पिलाने वाला पहला मुख्यमंत्री था। कौन सी बात पूछना चाह रहे हो? सरदार जी ये पूछो भी भगवंत मान तो बिना केजरीवाल जी का जी लगूगा? तो उन्होंने गर्मी नहीं लग रही, बवासीर नहीं होगी, ये गल पूछो जा रहे नहीं? नहीं चले गए जा रहे हैं। एक बार केजरीवाल के लिए जोरदार तालियां बजा दो, वो होली मना रहा है। ये रुक जाओ, मैं जा रहा हूँ भाई साहब, मेरी तबीयत खराब हो रही है। उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं को भी बधाई दे दो, हम तो सनातनी है, हम तो सबको देंगे भाई। हमारे लिए एक ही बात है भाई साहब, ये रहा हमारा मंदिर, ये रहा हमारा गुरुद्वारा, हम तो दोनों के आगे सर झुकाते हैं। मगर अब केजरीवाल पता कहाँ सर झुका रहा है? पूछो कहाँ? वो गाना गा रहा है मोदी के आगे, सजदे किए हैं लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। तो ईडी पता क्या कहता रात को? अरे यार क्या आदमी यार, ईडी क्या कह रहा है रात को? झुक झुक के ली है मैंने पूरी रात तेरी योगी। केजरीवाल पाया है मैंने फिर तुझे। अरे 9 बार संबंध भेजा, कितनी बार? 9 बार। कितनी बार? 9 बार। इसीलिए मैंने कहा था 4 चवन्नी तेल में अरविंद केजरीवाल भी जेल में। अब जेल केजरीवाल का हो गया मोए मोए।
सबसे बड़ी बात पता है क्या भाई, सुनो, हमें कोई केजरीवाल से लड़ाई नहीं है। 9 साल दिए कितने? 9 साल। अरे हमारे योगी बाबा को सिर्फ 6 साल दिए कितने? 6 साल। आज उत्तर प्रदेश में जाके देखो 30 करोड़ की आबादी है कितनी? 30 करोड़ की आबादी है कितनी? और हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सारे खुश है। क्यों? क्योंकि बाबा सबके लिए। और ये आने के बाद 24 घंटे पोस्टर लगाता है, लेटरिंग जाओ तो इसकी फोटो लगी है। हाँ भाई, फोटो देख के उतरेगी। अरे अरे यार रुक जा भाई, इसको जान दे यार, साइड जाना यार, कोई कहीं तुम खराब कर रहा भाई। दीपक जी मैं कह रहा हूँ जहाँ जाओगे इसकी फोटो लगी है। अरे कम से कम तू काम करता। क्या काम करने आया था? अरे रुक जा भाई साहब यार, नहीं मैं कह रहा कुछ काम करता, काम करता कुछ, हम खुश होते कि केंद्र में मतलब मोदी और यहाँ केजरीवाल करता रहता। अब यहाँ भी तो उनकी पत्नी अब बोल रही है कि लोग कह रहे हैं कि वही अब बैठेंगी सुनीता केजरीवाल जी। भाई साहब सुनो, बहन बेटी के लिए मेरे को सनातनी हूँ। हाँ। मेरे धर्म ने मुझे एक ही चीज सिखाई है। हाँ। अगर वो कायदे में बोलेगी तो हम भी इज्जत से जवाब देंगे। वो कह रही है कि केजरीवाल की आत्मा जो है वो दिल्ली वालों के साथ जुड़ी हुई है, हमें इतनी गंदी आत्मा नहीं चाहिए क्या? और उससे अच्छी आत्मा अन्ना हजारे की है। अगर वो राजनीति करने वाला होता ना तो केजरीवाल के सामने खड़ा होता, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं एक बात बता रहा हूँ, यही लोगों से पूछ लो, कैमरामैन पीछे हो, थोड़ा सा पीछे हो भाई साहब, पीछे हो जाओ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। यही पूछ रहा हूँ, अगर अन्ना हजारे और केजरीवाल का आपस में इलेक्शन हो जाए तो पूछोगे लोग केजरीवाल को कौन कौन वोट देगा, हाथ उठाओ। अब मैं बताऊँ, अगर मैं बीजेपी का होता तो अन्ना हजारे को कहाँ से ले आता बीच में? मैं बताऊं, अगर केजरीवाल और अन्ना हजारे भी भिड़ते ना तो भी मैं बीजेपी को वोट ना देके अन्ना हजारे को देता, क्योंकि मुझे उस पर विश्वास है। अब पूछो अन्ना हजारे को कौन कौन वोट देगा? अन्ना हजारे इलेक्शन में तो नहीं खड़ा, मगर हमें उस पर विश्वास है, क्योंकि वो 9 साल से चुप बैठा है। पता क्यों? उसको सदमा लगा है भाई साहब, बहुत तगड़ा सदमा ये लगा है कि आंदोलन हमने करा था, जन लोकपाल बिल आंदोलन करा था शराब नीति के खिलाफ। इसने बोला कि दिल्ली को हम शराब मुक्त कर देंगे, क्या शराब मुक्त कर देंगे, और पीछे से बोल दिया शराब युक्त कर देंगे। ये वही व्यक्ति है जिसने जन लोकपाल बिल बोला था। दिल्ली में कुल 200 दुकानें थी, 203 दुकानें कितनी शराब की, कितनी? उससे भी हमारी माता बहनें परेशान थी पहले, और उसने आने के बाद कर दी 840 860, वो एक ही बात है। और अगर ये पहले गलत था तो अब सही कैसे हुआ, और अगर अब सही था तो पहले गलत कैसे हुआ? मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि किसी का भी बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, सुरक्षित रहे वो। मगर केजरीवाल ने 9 साल में ना भाई साहब राजनीति को इतना गंदा कर दिया। पहला व्यक्ति जिसने बच्चों की झूठी कसम खाई। कितना गंदा नेता देखा मैंने, नाम तो नहीं ले रहा भैया, किसी नेता का नाम तो नहीं लिया, कितना भी गंदा नेता देखा, गंदा नेता, मगर केजरीवाल जैसा नहीं देखा भाई साहब। ये कह रहा था मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। 2 दिन बाद इसको टटिया लग गई। फिर कहता है मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीति में चला गया। फिर कहता है सिक्योरिटी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी ले ली। फिर कहता है कि 28 एसी लगे हैं, मैं 28 एसी नहीं लगाऊंगा। इसने पूरा एयर कंडीशनर स्टार लगा दिया, स्विमिंग पूल, पर्दे। तो अपने लिए थोड़ी ना बनाया था उतना बड़ा घर, क्यों, किसके लिए? सनी लियोनी के लिए बनाया था। वो जाएगा, आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप जाएंगे। नहीं, मियां खलीफा के लिए बनाया था। अब वो मुख्यमंत्री पद से हटेंगे तो आप भी रह सकते उस घर में। एक मिनट, कहाँ? अगर वो मुख्यमंत्री पद से हटेंगे तो आप भी रह सकते उस घर में। भैया यही लोग बताएंगे कि हमको नेता बनना है कि नहीं, हम नेता बनने नहीं आए। अरे मतलब कोई भी बने। अरे अगर हम राजनीति में आ गए ना तो ये केजरीवाल जैसे ना आए दिन जेल के चक्कर काटते रहेंगे, हम तो आना ही नहीं चाहते। हमारे लिए बीजेपी कांग्रेस झाड़ू, हम तो नेता चुनते हैं क्या, इसलिए हम चोड़ियों के कहते हैं कि 2024 में अगर मोदी निर्दलीय भी खड़ा होगा तो भी हम उसको वोट देंगे। काहे परेशान हो रहे हो? अभी तुम्हें भी, तुम्हें नीचे से ऊपर तक रंग दूंगा मैं। नहीं भाई साहब, यार पीछे से बोले जा रहे हो यार, मैं तो एक ही बात बोलूंगा, और एक बार पीछे हो जाओ, होली का माहौल है, एक गाना गाते हैं और चले जाते हैं। और रंग बरसे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे।
और मैं केजरीवाल को एक ही बात बोलूंगा दिल से, भैया जरा साइड हो जाओ तुम, अरे तुम साइड हो जाओ यार, लगा रखी तुमने भी यार, साइड हो जाओ केजरीवाल। होली नहीं खेलूंगा मैं, होली नहीं खेलूंगा भाई साहब। क्या मुझे केजरीवाल की कसम लगे मैं होली नहीं खेलूंगा भाई साहब। पूरा रंग अबीर में पुत गए हैं। और जो लोग पानी पे ज्ञान देते हैं, क्या क्या ये नानी पे ज्ञान देता था और कुछ लोग पानी पे ज्ञान दे रहे हैं, इनको समझा दो, समझा दो कातिया। अगर पानी का इस्तेमाल करने के लिए मना करा ना, तो माँ कसम पानी में लाल मिर्च डाल के पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे, क्योंकि पानी हमारा है, रंग हमारा है, त्योहार हमारा है, समरसेबल हमारा है, टूटी हमारी है, और पानी तो दिल्ली में फ्री है ना। इनके बाप के नौकर है ये, जरूर डालना आज ही रात को ये पानी वाला। अरे तुम बकरा ईद मनाते हो, हम बोलते हैं पानी का इस्तेमाल मत करो। क्या हम तो नहीं बोलते? तुम महंगी महंगी गाड़ी लेते हो, दो दो घंटे नहलाते हो, सारा इतनी महंगी गाड़ी लेकर नहलाते हो, पागल हो गए हो? पीने का पानी नहीं दिल्ली में? हम बोलते हैं हमारी मर्जी है भैया, कौन हम बोल रहे हैं हमारी मर्जी है, लोकतंत्र है। अब की बार होली में भैया कौन कौन पानी का इस्तेमाल खुल के करेगा, और अगर पानी का इस्तेमाल बैन करोगे तो सबके लिए करो भाई साहब। हमारे त्योहार, हमारे त्योहारों में कहते हैं बम पटाखे मत छोड़ो, राखी बांधो बिना धागे के, साले तुम्हारे टपा टप बच जाएगी योगी को बांधो। एक बार योगी को प्रधानमंत्री बनने दो, क्या एक बार कांग्रेस वाले खुद आके पानी दे के जाएंगे, कहेंगे भाई साहब होली खेल लो। इनकी तो ऐसी लेनी चाहिए ना कि चाप देना चाहिए, चाप ना समझते हो, और इन्हें कुकुर खांसी हो। अरे केजरीवाल तो कुकुर खांसी हो गई थी यार, कुकुर बोलते कुत्ते को। हाँ मेरे को पता है भाई। और अब केजरीवाल जो है ना अंदर से मैंने ट्विटर पर देखा कई लोग मजाक में ये लिख रहे थे कि ठंड गई मफलर बंद, ठंड गई और मफलर अंदर रख दिया। मफलर तो निकल गया है, मगर अब केजरीवाल हगीस पहन के घूम रहा होगा, क्योंकि जिसको 8 लाख की लैटरिंग में लैटरिंग करने का शौक है वो 1500 वाली में कहाँ उतरेगी उसको। आती नहीं। क्या क्या नहीं आती भाई? अरे अरे कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हो यार, वहाँ पर सारे अपराधी भाग जाएंगे जब वो पा देगा वहाँ पे यार। भाई साहब मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, पेट खराब हो जाएगा उसका, मगर इतना पता है भाई साहब, इतना पता है आज हमारी अंदर से आत्मा रो रही है, बस मैं जा रहा हूँ। बड़ा मजाक बनाता था, और सबसे मजे की बात है लास्ट, भैया एक बार जरा दिखा दो, ये कह रहे थे जब केजरीवाल जेल जाएगा तो सुनामी आ जाएगी, जरा सुनामी दिखाना। अरे चुप चुप भैया, ये पब्लिक, ये लोग आत्मा है या आदमी है? आत्मा, आत्मा है। एक बार इधर भी दिखाना भैया, पीछे लाल किला वाली रोड, भैया सुनामी दिखाना तो सुनामी। ये क्या कह रहे थे कि जब केजरीवाल जेल जाएगा सुनामी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सुनामी। सुनामी पता नहीं है, मगर इतना पता है कि रात को इसके बंगले में मियां खलीफा आएगी। सतेंद्र जैन जो है वो संजय सिंह की मालिश करेगा, और संजय सिंह सतेंद्र जैन की करेगा, और केजरीवाल मसाज पार्लर चलाएगा। अब राजा मंत्री चोर सिपाही वाला गेम पूरा खेला जाएगा। चार प्लेयर कम था ना, चार चवन्नी तेल में केजरीवाल गए जेल में। भारत माता की, मेरी अंतर आत्मा रो रही अंदर से केजरीवाल। मैं होली भी नहीं मना रहा हूँ, आज मुझे शाहरुख खान का वो गाना याद आ रहा है होली से दो दिन पहले। बिजली पानी फ्री लेकर के केजरीवाल का साथ ही नहीं दे रहा, बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साथ लगे रहो केजरीवाल। आज तो मेरे को शाहरुख खान का गाना याद आ रहा है, पूछो क्या कौन सा? रंग दे तुम्हारे गेहुआ, दिल्ली के दीपक की दिल से है दुआ। अरे अंदर खाते में कोई भी बंदा आगे नहीं आ रहा, क्या जो कह रहा मैं केजरीवाल का बंदा हूँ, कह रहे ले चलो इसको गाड़ी में डाल के, क्या वो पता है क्या बंदा केजरीवाल? सुनो सर, कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कराना बहुत जरूरी था, नहीं तो नरेंद्र मोदी के रास्ते के पत्थर बनते जा रहे थे वो, क्या? हर जगह जो है सो बीच में आ जा रहे थे। पत्थर नहीं, केजरीवाल शिलाजीत है। खाते ही गर्मी ये बंदा, गुरु का सगा नहीं। कल अन्ना हजारे ने भी कह दिया, क्या मालूम है
कि ये तो उसकी जो करनी थी वो उसके आगे आ गई। क्या क्या करनी आगे आगे? हाँ, अरे बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे? क्या बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से? जय श्री राम। और आपको पता मजे की बात, जो 8 लाख की लेटरिंग में लेटरिंग कर रहा था वो 300 रुपए वाले में कर रहा है। लेकिन आप लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि वो कह रहे हैं कि हम जेल से ही दिल्ली चलाएंगे, जनता की सेवा जेल से ही। क्या चलाएंगे? दिल्ली चलाएंगे जेल से। क्या चलाएंगे? दिल्ली। दिल्ली जेल से चलेगी? हाँ। अगर दिल्ली जेल से चलेगी तो केजरीवाल बोल दो भाई, बोल दो यार, दो तुम्हारा भगवान भला करे भाई, मैं होली नहीं खेलूंगा भाई, तुम्हें होली की बहुत बहुत बधाई हो। शोक सभा मनाएंगे भैया केजरीवाल का। शोक सभा मत बोलो यार, अरे ऐसे नहीं बोलो, पता क्यों? हम लोग उसी तरीके से दुखी है जिस टाइम पे ये अनशन में बैठा था। सही बात। 3 महीने रामलीला ग्राउंड में हम लोगों ने इस चिरकुट के चक्कर में टाइम निकाला। पता क्या कह रहा था? हमें स्वराज चाहिए, जल लोकपाल बिल आएगा, गली मोहल्ले में बजट पास होगा। ये वही बंदा है जो लेटरिंग के बहाने भाई साहब वहां जाके जूस पीता था हमारा अनशन में। भाई 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 केजरीवाल। और अब जितने बंदे हैं वो अतिशी जो है खुश है। अतिशी हमारी बहन है, पूछो क्यों? क्यों पूछो, तेज पूछो क्यों? क्यों क्यों? वो पता है मुख्यमंत्री बनने वाली है। अंदर खाते में अतिशी हमारी बहन है। अंदर खाते में अतिशी कह रही चंगा हुआ अंदर चला गया। और भगवंत मान भी किला साहब, भगवंत मान भी खुश हो रहा है, पूछो क्यों? कह रहा जब भी आता था तो कहता था परजाई किथे है, भाभी के हाथ की चाय पिलाओ। कहता भाई साहब लुगाई मेरी है, चाय ये पी के चला था। इनको मना करा था, 9 साल हो गए, 9 साल में। हाँ बोले, 9 साल में, 9 साल में अगर ये मोदी के साथ मिलके काम करता तो हम इसको क्या मना करते? हम कहते थे तो मिलके काम कर। अरे केंद्र में मोदी, दिक्कत तो इसी बात का है कि मोदी के साथ मिला नहीं इसलिए जेल में ही डलवा दिया। सुन लो, सुप्रीम कोर्ट का नाम सुना है? एक बार बोलो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय ने सतेंद्र जैन, संजय सिंह के बारे में क्लियर कह दिया कि ये जो तथ्य पाए जा रहे हैं ये सब जेन्युइन है। मैं इसमें दखलअंदाजी नहीं करूंगा क्योंकि बच्चों की जिंदगी के साथ खेला गया है। आज लीवर किडनी ये जो होती है ना हिंदू की होती है ना मुसलमान की होती है, ये एक इंसान की होती है। जिस टाइम पे कोरोना के दौरान लोग दवाई को तरस रहे थे, इसने क्या बोला? मैंने तुम्हारी दवा और दारू का इंतजाम कर दिया है, बोला था ना। और दवा इसीलिए इसका इंतजाम ईडी ने कर दिया। आज ये बैठ के सतेंद्र जैन के ऊपर कभी केजरीवाल होता है, केजरीवाल के ऊपर कभी सतेंद्र जैन होता है। ये लोग बॉडी टू बॉडी मसाज कर रहे हैं केजरीवाल। अरे एक मिनट के लिए मुझे एक बात बताओ। हाँ, मोदी का सबसे बड़ा ये जो है सो गलत कदम है, ये केजरीवाल को जेल में डालते ही मोदी गए अब देश से। नहीं नहीं बात कर रहे हैं, गांजा पीने के बाद बिल्कुल ठीक बोलते हैं लोग। आप एक बात बताओ। अरे भैया एक बार तो चलो आप बोल लो भाई, पहले आप बोलो। मोदी जी ने एक काम बहुत गलत किया यार, भगवंत मान पंजाब का सीएम है, ठीक है ना, तो यार धक्का हो गया यार केजरीवाल जी के साथ में, उनको साथ में भगवंत मान जी को भी तो छोड़ना चाहिए उनके पास ही, तो उनका मन कैसे लगेगा यार, बोर हो रहा है यार बंदा यार, ऊपर से यार। एक मिनट अरे भाई साहब पट्टे नापे थे गिल्ली, सवेरे जलंधर शाम में दिल्ली फुर्रा। एक मिनट ओ हैप्पी होली, ओ हैप्पी होली, ओ हैप्पी होली। जिस तरीके से लोग अरविंद केजरीवाल को जेल जाने के बाद दिल्ली के सड़कों पे उतर के होली खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इन्हीं लोगों ने अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा हो जबरदस्ती। अब आगे और भी लोगों से हम बात करेंगे कैसे जो है अब दिल्ली चलेगी, क्या दिल्ली की जनता चाहती है कि दिल्ली जेल से ही चले या फिर दिल्ली की सत्ता पे कोई और बीज हो। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, नमस्कार।